Good day to everyone. You all are welcome in today's session of English Online class. Today, we are going to go through the topic speech writing. So, first of all, let us elaborate the term what is a speech writing? Class speech writing is a formal addressing in which, in a formal way, you address to the people, or you can say it is a discussion delivered to an audience. जितनी भी ऑडियंस सामने बैठी है आप एक डिस्कशन उनको डिलीवर करते हैं दिस इज़ द स्पीच राइटिंग एंड टूडे टॉपिक ऑफ स्पीच राइटिंग इज़ मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीन एजर्स नाउ द टर्म मीडिया इट रिलेट्स टू वेज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इट मीन्स दैट आर द वेज दैट यू यूज टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन like your cd's your dvd's your printed media in printed media you can include newspaper magazines and so on your tv radio internet your mobile phone all these items they fall in the category of media and the word impact impact means influence मतलब प्रभाव असर ऑन टीनेजर्स टीन एजर्स आर द चिल्ड्रन दैट आर रिलेटिंग टू द ग्रोइंग एज जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनको हम बोलते हैं टीन एजर्स सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्पीच राइटिंग फर्स्ट यू विल स्टार्ट लाइक दिस गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल आई एम सिया द प्रजेंटर विल गिव द दिज और हर नेम सो हेयर सिया इज द गर्ल हु इज डिलीवरिंग द स्पीच सो द नेम विल बी सिया And today I am standing here to express my views on media impact on teenagers. Now, you will wish good morning to all that are present there, and you will tell your name and you will just say that you are going to express your views on the topic. Then the topic will be disclosed media impact on teenagers. Media is called the mirror of society. अब मीडिया क्या है हमारी सोसाइटी का एक मिरर है जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ और इसका हमारी लाइफ हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव है वी कांट डिनाई दिस फैक्ट दिस इज़ ट्रू नो बडी हैज़ बीन स्पेयर्ड फ्रॉम इट्स इन्फ्लुएंस कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं सका है चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो बट द यंगर जनरेशन इज़ द मोस्ट अफेक्टेड बाई इट अब जो लेकिन वो कहता है जो यंगर जनरेशन है जो बड़े होते बच्चे हैं उनके ऊपर मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है स्पेशली द टीन स्पेशली द चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग एज हु आर इन ग्रोइंग एज हु आर ग्रोइंग अप जो बड़े हो रहे बच्चे हैं वट एवर दे सी ऑन द सिल्वर स्क्रीन बिकम्स देयर फर्स्ट चॉइस जो भी वो सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं वो उस उनकी फर्स्ट चॉइस बन जाती है इट मीन्स दे वॉन्ट टू फॉलो दैट दे फाइंड दे आर रोल मॉडल्स अमंग फिल्म स्टार्स स्पोर्ट्स पर्सनस एंड एनीमेटेड करेक्टर्स अब स्टूडेंट्स अब जो टीन एजर्स हैं वो अपने रोल मॉडल्स किन को बना लेते हैं फिल्म स्टार्स को या जो स्पोर्ट्स पर्सन है अब जो स्पोर्ट्स को लव करता है वो स्पोर्ट्स पर्सन को अपना अपना आइडियल बना लेता है रोल मॉडल बना लेता है एंड एनिमेटेड करेक्टर्स ऑल्सो और जो भी एनिमेटेड करेक्टर्स हैं उनको भी वो अपना रोल मॉडल बना लेते हैं ड्रेसेस शूज एंड अदर असेसरीज वॉन बाय देम बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टीनएजर्स। अब जो भी फिल्म स्टार्स या स्पोर्ट्स पर्सन अब जो ड्रेसेस और शूज को कैरी करते हैं या दूसरी चीज़ों को अदर असेसरीज मीन्स जो दूसरी चीज़ों को वो कैरी करते हैं जो टीन एजर के बच्चे हैं वो उनके लिए अट्रैक्ट होते हैं और वो भी उसे कॉपी करने की पूरी कोशिश करते हैं बिकॉज दैट थिंग्स दे बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है दे फॉलो देयर एक्शंस एंड स्टाइल्स वो उनके एक्शंस को जो भी वो काम करते हैं जिस जिस तरह से करते हैं और उनके स्टाइल को कैरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और ब्लाइंडली एंड अ फ्यू दे फॉलो देम ब्लाइंडली इन डूइंग सो दे इग्नोर देयर स्टडीज़ एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स और ऐसा करते हुए ना ये जो टीन बच्चे हैं ये अपनी स्टडीज़ को और दूसरे भी जो इम्पॉर्टेंट ईश्यूज़ हैं उनकी ज़िंदगी के उसे वो इग्नोर करते हैं Sometimes they become arrogant and haughty and get involved in violence over petty matters. और कभी कभी तो उनकी जो ये follow करने की ये एक जो उनके ऊपर impact है media का ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो arrogant हो जाते हैं बहुत ज़्यादा घमंडी और haughty. उनके मतलब स्व स्वभाव में बहुत ज़्यादा अभिमान अहंकार आ जाता है and they get involved और वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वॉयलेंस उनके जो बिहेवियर में है वॉयेंट बिहेवियर हो जाता है उनका ओवर पैटी मैटर्स पैटी मीन्स होता है सिंपल जो एक बिल्कुल साधारण सी जो एक बात होती है एक सिंपल सी जो बात है उसके ऊपर भी वो अपना वॉयलेंट जो है बिहेवियर वो शो करते हैं इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द सोसाइटी और सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है वी शूड ट्राई टू चेंज द सीनेरियो अब हमें इस सीनेरियो को चेंज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए मीडिया इट्सल्फ कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द फ्यूचर सिटीजन्स अब जो मीडिया है इसमें ये जो हमारा सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं अब जो टीन एजर्स हैं आने वाले कल में वो सिटीज़न्स बनेंगे तो उनको एक सही रास्ते पर लाने के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इट कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ सेलिब्रिटीज़ टू स्पेयर अवेयरनेस अमंग टीन एजर्स अब वो कहता है कि वो सेलिब्रिटीज़ की हेल्प से एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकता है ताकि वो जो बच्चे हैं उनको बहकने से उनको रॉन्ग uh, पाथ को फॉलो करने से बचा सके एंड गिव अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू देयर लाइफ्स और जो उनकी जिंदगी है उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सो देट दे में नॉट फॉलो एनी रोंग पाथ किसी भी वो इल्यूजन में ना फंसें और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लीड करें पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन अब पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एंड गाइड देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर सिटीजन्स और उन्हें ऐसी डायरेक्शन दें उन्हें ऐसी गाइडेंस दें कि वो बच्चे बड़े होकर एक अच्छे सिटीजन के रूप में सोसाइटी में सोसाइटी uh, uh, में लिव करें आई होप ऑल विल एग्री विद मी इन दिस रिगार्ड इट मीन्स कि आशा करती हूँ कि सभी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे लास्ट में यू विल सम अप। थैंक यू फॉर लैंडिंग मी अ पेशेंट ईयर कि आप सभी को धन्यवाद है कि आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना ओके स्टूडेंट्स सो दिस वॉज अवर स्पीच ऑन मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीन एजर्स आई होप यू ऑल हैव लाइक डिट Thanks for watching. Good.